गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे विंटर हेल्थ टिप्स के बारे में। अगर आपको भी सर्दियों में छाया रहता है सुस्ती, तो इन 5 फूड्स को बना अपना डाइट का हिस्सा। मेटाबॉलिज्म, बॉडी को फिट रखने, फैट बर्न करने और एनर्जी देने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म तेज रहता है तो आप एक्टिव रहते हैं, बिना थके कोई भी काम कर सकते हैं। दरअसल ये बॉडी सेल में मौजूद एंजाइम को एनर्जी में बदल देता है। सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों का मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है, जिससे लोग जल्दी थक जाते हैं। लेकिन आप डाइट में बदलाव करके सर्दी के मौसम में भी अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं इन फूड्स के बारे में जिनको खाने से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। पहला, टोमेटो सूप। टमाटर का सूप को आप डेली अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। यह सूप स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। टोमेटो सूप एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, जिसके सेवन से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। ये एक प्रकार का मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, इसलिए आप सर्दी के मौसम में टोमेटो सूप को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। दूसरा, शकरकंद, जिसे हम स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाया जाता है। ये नेचुरली ही मीठा होता है। इसमें फाइबर और मैग्नीशियम सफिशियंट क्वांटिटी में पाया जाता है, जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है। नंबर 3, अदरक। अदरक का सेवन मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में काफी हेल्पफुल होता है। अदरक विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए आप अदरक का चाय भी पी सकते हैं या खाने में अदरक को शामिल भी कर सकते हैं। नंबर 4, शलजम। सर्दी के मौसम में शलजम का सेवन जरूर करें। इसमें विटामिन सी, विटामिन के, पोटासियम और कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। शलजम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। ठंड के मौसम में शलजम का सेवन करने से बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 5, कॉफ़ी। अगर आप कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं तो आप खुश हो जाइए। कॉफ़ी पीने से बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प मिलता है। इसमें कैफीन पाया जाता है, जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो सर्दी के मौसम में आप इन 5 चीज़ों को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। तो आप इन 5 चीज़ों का नाम जरूर याद कर लें। मैं एक बार इस नाम को फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप इन 5 चीज़ों के नाम को जरूर याद कर लें। शकरकंद, शलजम, टमाटर, अदरक, कॉफ़ी। ये 5 चीज आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर दें। बस आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। टेक केयर, गुड बाय।